पंजाब की मांग सरकार जब से सत्ता में आई है तब से चर्चा में बनी हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का दावा कर रही है और वहीं मांग सरकार ने 26,000 नौकरियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएम ने कहा है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। पंजाब की भगवंत मान सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का दावा कर रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि जो वो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। भगवंत मान का ये बयान उस वक्त आया जब पंजाब सरकार की ओर से राज्य में अलग अलग विभागों में 26,000 नौकरियों को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया। भगवंत मान ने अपनी सरकार द्वारा योग्य उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा करने की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिफारिश या रिश्वत के मामले में किसी भी तरह की अनुचित प्रथा को चल रहे बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान में कोई जगह नहीं मिलेगी। मान ने कहा कि 25 विभिन्न विभागों में 26,454 रिक्त पदों पर भर्ती भ्रष्टाचार मुक्त और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही समाचार पत्रों में एक विस्तृत विज्ञापन जारी कर चुकी है जिसमें उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिक्तियों की संख्या भर्ती एजेंसियों और भर्ती विवरण के लिए विभागीय वेबसाइट के लिंक का उल्लेख है। युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर का वादा करते हुए मान ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही और अधिक सरकारी और निजी नौकरियों के साथ आएगी ताकि युवाओं को आजीविका प्रदान की जा सके ताकि वो सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा किए जाने वाली कई जन समर्थक पहलों का उल्लेख किया जिनकी घोषणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आम बजट 2022-23 में की जाएगी। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया है। आप पार्टी ने जो 26,000 नौकरियां निकाले हैं उनमें सबसे ज्यादा लोगों की भर्ती पुलिस डिपार्टमेंट में की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।